के लिए प्रसिद्ध मिस्र में अक्सर आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर देने वाली चीजें मिलती रहती हैं, जो न सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट को बल्कि इतिहासकारों को भी एक बार पुनः विचार करने पर मजबूर करती है कि क्या अरब और भारत का कोई सांस्कृतिक संबंध था। क्योंकि अगर हम वर्तमान अरब क्षेत्र और उसके पिरामिड्स को देखें तो सब यह नहीं कहेंगे, लेकिन जब हम उत्खनन में प्राप्त चीजों का अध्ययन करते हैं तो निश्चित ही कह सकते हैं कि एक समय में अरब तक भी भारत की सनातन संस्कृति का विस्तार था। हम ये बात इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि सऊदी अरब में 8000 साल पुराने धार्मिक स्थल और मंदिर की खोज के बाद मिस्र में पुरातत्व विभाग को 4500 साल पुराना मंदिर मिला है। पुरातत्व विभाग के अनुसार यह एक सूर्य मंदिर है और उनके शोध के अनुसार इसे प्राचीन मिस्र के 5वें साम्राज्य ने बनवाया होगा। यह मंदिर मिस्र की राजधानी काहिरा के दक्षिणी हिस्से में बसे अबू सिर इलाके में मिला था, जो किंग न्यूसेरे के मंदिर के नीचे था। मिस्र में सूर्य मंदिर की खोज होना एक दुर्लभ घटना है। पुरातत्वविद के अनुसार मंदिर को मिट्टी की ईंटों से निर्माण कराया गया। बताया जा रहा है कि ईंट से बनी यह इमारत मिस्र के 5वें राजवंश के खोए हुए सूर्य मंदिरों में से एक है। इतिहासकार बताते हैं कि मिस्र का 5वां राजवंश 2465 से 2323 ईसा पूर्व तक था। सनातन संस्कृति में जीवन ऊर्जा के देवता के रूप में भगवान सूर्य की आराधना आदिकाल से की जा रही है। भारत में अनेक सूर्य मंदिर हैं, जिनमें से रथ के आकार में बना ओडिशा का प्राचीन कोणार्क सूर्य मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। इस सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। अब मिस्र में हजारों साल पुराने सूर्य मंदिर का मिलना कहीं ना कहीं उस ओर ध्यान आकर्षित करता है। यहाँ अक्सर कहा जाता रहा है कि एक समय में अरब भी सांस्कृतिक तौर पर भारत से जुड़ा हुआ था। सांस्कृतिक भारत की इस यात्रा में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई यात्रा में एक नए वीडियो के साथ।